गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आर इंग्लिश पीरियड. इन इंग्लिश पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट लेसन नंबर 16, द होलोग्राम. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक निकाल ली है. आपकी बुक में याद होगा आपको कि मैं आपको लेसन पढ़ा रही थी, लेसन नंबर 16, द होलोग्राम. इसमें से बच्चों हमने आधा लेसन यहाँ तक पढ़ चुके थे. चलिए बाकी का बचा हुआ लेसन भी पढ़ लेते हैं. He saw that the drum gave a loud sound whenever the branches of the tree struck it. तो उस लोमड़ी ने जाके देखा कि वो जो ड्रम रखा था, खाली ड्रम, वो आवाज़ उसमें से कब आ रही थी, जब वो देख रहा कि वहाँ से सूख रही लकड़ियाँ उसके ऊपर आके लग रही थी, तब उसमें से आवाज़ आती थी. He came near and smelled it. वो उस ड्रम के पास गया और उसको सूंघा. स्मेल्ट माने सूंघा. इट वॉज मेड ऑफ लेदर. तो जो उसको सूंघा तो उसे पता लगा कि ये तो चमड़े का बना हुआ है. लेदर मतलब चमड़ा. सीइंग इट मेड ऑफ लेदर ही वॉज हैप्पी. और जब उसे पता लगा ये चमड़े का बना हुआ तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि जानवर क्या खाते हैं, मांस खाते हैं. ही थॉट दैट The drum was full of meat. उसको लगने लगा इसका मतलब ये जो पूरा ड्रम रखा है ये तो उसमें मांस भरा होगा, यानी मीट भरा हुआ होगा. I can eat it over a few days, he said to himself. उसने सोचा ये तो मैं कुछ ही दिनों में खा के ख़त्म कर दूंगा, अपने आप से बोलता है वो. The leather was quite hard. जो चमड़ा था वो कैसा था, वो हार्ड था. He had to work हार्ड टू कट थ्रो इट. तो उसको काटने में, इसको तोड़ने में, जो ड्रम का होता आपने देखा है ना, जैसे ढोलक होती है इसके ऊपर, उसको तोड़ने में उसको परेशानी हुई. वैन ही वॉज एबल टू कट थ्रो द लेदर ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज द ड्रम वॉज हॉलो इन साइड. लेकिन जैसे ही उसने ड्रम तोड़ा, उसके अंदर जाके देखा, तो उसको बहुत उदासी हुई, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, वो तो खोखला था, क्योंकि वो क्या था, बजाने वाला ड्रम था. देखिए ये बना है पिक्चर. द फॉक्स हैज टू रिमेन हंग्री. और हार के क्या हुआ, फॉक्स जो था यानी लोमड़ी, वो भूखी ही रह गई, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला. तो बच्चों आपका होमवर्क है ये वर्ड मीनिंग, इन्हें अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी. तब तक अपना काम कंप्लीट रखिए. हम लोग फिर नेक्स्ट